फ्रेंड्स अभी हम 2 BHK फ्लैट में आए हैं, ये एक हाई रेस बिल्डिंग्स है, वहाँ पे हम एक क्लाइंट के लिए एक फ्लैट चॉइस करने आए हैं। ये फ्लैट उनको कितना सुटेबल है वो तो हमारा प्रोसेस हो गया, पर ये फ्लैट की जो 4 मुख्य डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो क्या वो 100% पॉजिटिव है? अगर वहाँ पे हमारा स्कैनर कुछ भी प्रकार का लॉसेस दिखाता है तो हम यहाँ पे वार्तालाप करेंगे, डिबेट करेंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमारे कंसल्टेंट है उनके लिए ये हम जो हमारी सिस्टम है वो रिपीट कर रहे हैं, कभी हम स्कैनर का यूज करो तो भ्रम स्थान मेंटेन कीजिए और अपना फेस हमेशा साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई भी एक डायरेक्शन में रख दीजिए और उसकी सिमिलर 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन है उसका सैंपल डालिए। जैसे अभी मेरा फेस 90 डिग्री, मेरा फेस 180 डिग्री पे साउथ में है और मेरे साउथ की 90 डिग्री पे ईस्ट है, तो अब मैं स्कैनर को कमांड दूंगा कि इस वास्तु की ईस्ट डायरेक्शन को स्कैन कीजिए, इस वास्तु की ईस्ट डायरेक्शन को स्कैन कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि ये मेरा स्कैनर मेरी लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है, साउथ पे फेस करके हम जब भी ईस्ट को स्कैन करेंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ दोनों स्कैनर मूव हो जाएगी। अब यहां से हम टर्न करेंगे, अब हम यहां से ईस्ट जो हमारे पास ईस्ट ओपन है बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है, पर वहां पे हमें एक दोष मिल रहा है कि वहां पे एक नेशनल हाईवे है जो जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है, तो वो उसकी क्या डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे देखना है। इस प्लेट में इस वास्तु की ईस्ट डायरेक्शन की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखोगे तो ये पॉजिटिविटी का जो ग्राफ है वो 180 डिग्री हो रहा है, जो जो खुला होने के बावजूद भी 180 डिग्री हो रहा है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है जो हाईवे पे जो अभी टाइगर फोर्स आ रहे हैं व्हीकल्स के, वो व्हीकल्स के यहाँ पे बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ रही है जिसकी हमें कोई सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इस बालकनी में खड़े रहोगे तो उधर का जो मनमोहक दृश्य है हमको ऐसा मन करेगा कि ये फ्लैट लेना ही है, पर उस व्यू के पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स अब ही इसके हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं, वैसे हमारे पास अभी जो ईस्ट जोन के अंदर स्टील SS 304 की रोड चाहिए, पर हमारे पास अभी ब्रास की रोड अवेलेबल है जो इसकी एंटी एलिमेंट होती है, पर ये रोड स्पेशली हमने टाइगर फोर्स के लिए जनरेट की है क्योंकि ये रोड हमें ब्रास की ही लेनी पड़ेगी क्योंकि इसको मैक्सिमम फ्लोर में दबानी है तो ही ये टाइगर फोर्स को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये रोड हम वहाँ पर रख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि इस रोड से हमें क्या फायदा मिलता है। इस वास्तु की ईस्ट की पॉजिटिविटी ऊर्जा को स्कैन कीजिए। ओके, यानी कहने का भाव अर्थ है अगर हम ये रोड यहाँ पे रख देंगे तो ये टाइगर फोर्स का सॉल्यूशन ले पाएंगे, इससे यहाँ की वास्तु को प्रोटेक्शन मिलेगा और एनर्जी एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखिए आपके लिए एक बार फिर इस वास्तु की पूर्व दिशा की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।